हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी फॉर नेट हम पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड और आज हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग का मतलब कि किस किस लेवल पे टीचर अपने स्टूडेंट्स को टीच करता है यहाँ पे तीन तरह की लेवल्स हम पढ़ेंगे हर लेवल कुछ अलग अलग स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोसेस को दिखाती है कि किस हिसाब से यहाँ पे स्टूडेंट अपना डेवलपमेंट करता है कुछ सीखता है कोई नई नॉलेज एक्वायर करता है यही लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में है तो शुरू करते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग वी ऑल नो डैट टीचिंग इज़ अ पर्पज़फुल एक्टिविटी हमें पता है टीचिंग जो है वो किसी पर्पज़ के साथ ही की जाती है थ्रू टीचिंग द टीचर ब्रिंग्स अ डिज़ायरेबल चेंज इन द लर्नर टीचिंग के थ्रू जो टीचर है अपने स्टूडेंट्स जो भी लर्नर है या स्टूडेंट है उसमें कुछ डिज़ायरेबल चेंज मतलब कुछ चेंज लाने की कोशिश करता है बोथ द कंसेप्ट टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर अगर हम टीचिंग और लर्निंग की बात करें दोनों एक दूसरे से क्या रखते हैं इंटर रिलेट होते हैं टीचिंग के बिना लर्निंग आ, मतलब ऐसे है कि टीचिंग का मेन फोकस ही यही होता है मेन एम ही होता है लर्निंग डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर इज द फाइनल गोल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग जब भी हम किसी भी स्टूडेंट की बात करते हैं उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट तभी होगा जब हम अपने फाइनल गोल जो भी टीचिंग और लर्निंग का है उसको हम अचीव कर लेंगे ड्यूरिंग टीचिंग एंड इंट्रेक्शन टेक प्लेस बिटवीन एन एक्सपीरियंस पर्सन एंड एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन टीचिंग में क्या होता है एक इंट्रेक्शन होता है किसके बीच में दो लोगों के बीच में एक एक्सपीरियंसड पर्सन और एक इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन एक्सपीरियंस पर्सन कौन होता है टीचर जो कि नॉर्मल सामने वाले को दे रहा है इन एक्सपीरियंस पर्सन जो सामने वाले से नॉलेज ले रहा है दैट इज स्टूडेंट हियर द मेन एम इज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट मेन एम यही है कि जो भी स्टूडेंट है उसके बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंज लाना ठीक है तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं हम आगे टीचर्स टीच स्टूडेंट एट थ्री लेवल्स जो टीचर्स है वो स्टूडेंट को थ्री लेवल्स पे क्या करता है टीच करता है दे हैव टू कीप इन माइंड अबाउट द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द लर्नर सो दैट डिज़ायर्ड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव टीचर्स को क्या है अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हमारे लर्नर्स की डेवलपमेंट स्टेज क्या है कि वो किस किस हिसाब से डेवलप कर रहा है जल्दी कर रहा है उसको थोड़ा टाइम लग रहा है तो उसको ध्यान में रखना चाहिए और वही ऑबजेक्टिव चूज़ करने चाहिए जो उसको एजुकेशन लेने में लर्न करने में आसान रहे तो थ्री लेवल्स क्या है फर्स्ट वन इज मेमोरी लेवल लेवल अंडरस्टैंडिंग एंड थर्ड रिफ्लेक्टिव लेवल ये तीनों लेवल्स हमारी सीक्वेंस में होती है फर्स्ट मेमोरी देन अंडरस्टैंडिंग एंड देन रिफ्लेक्टिव मेमोरी लेवल को हम थॉटलेस टीचिंग कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल को थॉटफुल टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल को अपर थॉटफुल टीचिंग क्यों कहते हैं क्या मतलब है इनका हम उसको एक एक करके स्टडी करते हैं फर्स्ट आता है हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचर मेमोरी मेमोरी का कुछ भी जैसे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज़ रेफर्स टू कुछ भी चीज़ों को याद करना ठीक है हमारे दिमाग में रखना वही क्या होता है हमारा मेमोरी लेवल ऑफ़ टीचिंग होता है इसको थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग क्यों कहा जाता है मैं एक बार आपको शॉर्ट में बताती हूँ थॉटलेस लेवल ऑफ़ टीचिंग इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो हमारे लर्नर्स होते हैं या फिर स्टूडेंट्स होते हैं वो वही चीज़ याद करते हैं जो स्टूडेंट जो टीचर उनको याद करने को कहता है उसके अलावा वो बिल्कुल भी अपना थिंकिंग लेवल कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं कि हमें आगे भी और कुछ याद करना है वो सिर्फ़ उतना कंटेंट याद करेंगे जितना टीचर उनको प्रोवाइड

एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग बींग्स ये किससे हमारा कंसर्न है कि जो भी हमारे पास मेंटल एबिलिटी है या हमारी मेमोरी है जो हर किसी लिविंग बींग्स में क्या करती है एग्जिस्ट करती है टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज कंसिडर्ड टू बी द लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को क्या कहा जाता है लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग माना जाता है जो हमारी फर्स्ट लेवल होती है एट दिस लेवल द थिंकिंग एबिलिटी डज नाट प्ले एनी रोल जो स्टूडेंट्स की थिंकिंग एबिलिटी है वो कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं वो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सोचते हैं स्टूडेंट्स ओनली क्रैम द फैक्ट्स इंफॉर्मेशन फार्मूलाज एंड लोज आर दैट आर टोड टू दैम जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ वही फैक्ट्स के बारे में uh, ध्यान रखते हैं वही इंफॉर्मेशन वही फार्मूला याद करते हैं जो उनको पढ़ाया गया है जो उनको सिखाया गया है द टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर बाय रोट इसमें क्या है टीचिंग ऐसा कुछ नहीं है कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता बस ये है कि जो याद करने को दिया गया है जो सब्जेक्ट पढ़ाया गया है उसी को ध्यान में यहाँ पे रखा जाता है द रोल ऑफ द टीचर इज़ प्रोमिनेंट एंड डेट ऑफ द स्टूडेंट इज सेकेंडरी यहाँ पे क्या होता है टीचर का रोल सबसे पहला है मतलब मेन रोल जो है वो टीचर का ही है और स्टूडेंट का रोल क्या आता है बाद में आता है क्योंकि टीचर के ऊपर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कैसे अपने स्टूडेंट्स को कोई भी टॉपिक याद करवाएगा या वो लर्न करने को देगा वही स्टूडेंट्स क्या करेगा याद करेगा द स्टडी मटीरियल इज़ ऑर्गेनाइज एंड प्री प्लान द टीचर प्रेजेंट द स्टडी मटीरियल इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर जो भी हमारा स्टडी मटीरियल है जो टीचर प्रोवाइड करेगा वो वेल well ऑर्गेनाइज होता है और बिल्कुल प्लानिंग के साथ में बनाया गया होता है उसी हिसाब से सीक्वेंस के हिसाब से टीचर जो है वो स्टूडेंट को क्या करता है अपना स्टडी मटीरियल प्रोवाइड करता है और स्टूडेंट उसको क्या करता है याद करता है मेमोरी लेवल टीचिंग लैक्स इन साइड साइकोलॉजिकल इट इज़ कोग्नेटिव लेवल टीचिंग मेमोरी लेवल टीचिंग लैक्स इन साइड मतलब कि आगे जो भी हमारी थिंकिंग एबिलिटी है उसका हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं हमने सिर्फ जो देखा जो सामने हमारे पढ़ा है हमने उसी को क्या कर लिया याद कर लिया कॉग्नेटिव लेवल टीचिंग का मतलब है कि हम जब सिर्फ नॉलेज गेन करते हैं हमें जो टीचर uh, ने पढ़ा दिया हमने वो नॉलेज गेन कर ली वही हमारा क्या होता है कॉग्नेटिव लेवल टीचिंग होता है तो मेमोरी लेवल टीचिंग इज ऑल अबाउट कि थाटलेस लेवल ऑफ टीचिंग होती है कोई भी थिंकिंग एबिलिटी हम इसमें यूज नहीं करते हैं स्टूडेंट सिर्फ उतना लर्न करेगा जितना टीचर उसको लर्न करने को कहेगा मतलब थिंकिंग एबिलिटी यहां पर बिल्कुल भी यूज नहीं होती है तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग दैट इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग नेक्स्ट पे आते हैं हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग ये हमारी सेकेंड लेवल ऑफ टीचिंग है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग ब्रीफ में बताऊं कि इसमें लर्निंग के साथ साथ हम उस टॉपिक को क्या करते हैं समझने की भी कोशिश करते हैं जो भी फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई है हम उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं उसके बाद में हम उसको क्या करते हैं लर्न करते हैं देखो अंडरस्टैंडिंग समथिंग इज टू परसीव द मीनिंग ग्रैफ द आइडिया एंड कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया कि कोई भी है उसको मीनिंग को परसीव करना मीनिंग को मतलब अच्छे से समझना कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है उस आइडिया को लेकर चलना और मतलब उसको प्रॉपर वे में समझ लेना उस चीज को कि सामने वाला टीचर क्या कह रहा है मॉरिसन इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग ये किसने दिया था मॉरिसन ने दिया था इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैन बी क्लासिफाइड एज तो अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग क्या है सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट्स जो भी हमने फैक्ट्स uh, हैं उसको अच्छे से हमने देख लिया है उसको जज कर लिया है कि किस हिसाब से हमें उसको देखना है सीइंग रिलेशनशिप अ जर्नरलाइज्ड इनसाइट जो हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में था इंसाइट uh, नहीं थी उसमें लेकिन इसमें क्या है जर्रलाइज्ड इनसाइट है हम चीज़ों को अच्छे से परखेंगे उसके बाद में उसको क्या करेंगे लर्न करेंगे द टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज ऑफ हायर क्वालिटी देन वन ऐट द मेमोरी लेवल जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर टीचिंग होती है वो हायर होती है किससे मेमरी लेवल से इट इज़ मोर यूजफुल एंड थॉटफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंटल कैपेबिलिटीज़ मेमोरी लेवल तो थॉटलेस तो ये क्या है थॉटफुल टीचिंग है अगर हम मेंटल कैपेबिलिटीज की बात करें क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना दिमाग क्या करते हैं यूज़ करते हैं एट दिस लेवल ऑफ टीचिंग द टीचर एक्सपीरियंस द स्टूडेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स एंड टीच डैम हाउ दीज प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड इस टीचिंग लेवल पर टीचर जो है वो प्रिंसिपल और फैक्ट्स के बीच में रिलेशन बताता है स्टूडेंट्स को और ये भी बताता है कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे हमें अप्लाई करने हैं uh, uh, सब ये उसमें फैक्ट्स को भी बताता है कि फैक्ट्स को भी हमें कैसे लेकर चलना है उनको अच्छे से समझना है मेमोरी लेवल टीचिंग बैरियर इज असेंशियल टू बी क्रोज्ड फॉर दिस लेवल ऑफ टीचिंग ठीक है या द मेन फीचर्स आर कौन कौन से फीचर्स है हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल के इट इज मेमोरी प्लस इनसाइट एज इट गोज बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स इसमें क्या हो जाता है मेमोरी प्लस इनसाइट एक तो हमारा मेमोरी में है ही कि जो भी हमें टीचर ने करवाया वो हम हमने ले ली नॉलेज लेकिन प्लस इनसाइट उसके अलावा और भी कुछ हम लर्न करने को उस फैक्ट्स को ध्यान से सुनते हैं इसलिए हम उसको कहते हैं मेमोरी प्लस इनसाइट सिर्फ मतलब ये नहीं है कि उन फैक्ट्स को याद करना उन फैक्ट्स को समझना भी बहुत जरूरी है अंडरस्टैंडिंग इज ऑल अबाउट पहले हम चीजों को याद करते हैं फिर उसको अच्छे से समझते हैं, मतलब समझते हुए याद करते हैं इट फोकस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट मेन फोकस रहता है कि जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस पर हम मास्टरी करें मतलब वो पूरा सब्जेक्ट हमें अच्छे से आता हो इट मेक्स पीपल अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन प्रिंसिपल एड फैक्ट्स जो भी पीपल हैं जो भी स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से कोई भी प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट्स के आ जाते हैं समझ में आ जाते हैं इट प्रोवाइड्स मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल बिहेवियर यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो अपने पूरे के पूरे बिहेवियर को इंटलेक्चुअल बिहेवियर को क्या कर सके डेवलप कर सके इट प्रोवाइड्स एक्टिव रोल फॉर बोथ द पीपल एंड द टीचर फॉर द एसिमुलेशन ऑफ फैक्ट्स मेमोरी लेवल में जो एक्टिव रोल था वो सिर्फ टीचर टीचर का था लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में पीपर uh, स्टूडेंट और टीचर दोनों का एक्टिव रोल होता है कि वो अच्छे से अपने फैक्ट्स को क्या कर सके एसिमुलेट कर सके फैक्ट्स को अच्छे से जान सके तो ये था हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचर कि हम जो भी चीज़ को याद करते हैं उसको पहले अच्छे से समझते हैं फिर उसको क्या करेंगे याद करेंगे नेक्स्ट थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ़ टीचिंग का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हमने अच्छे से समझ ली है अब हम उसको क्या करेंगे अप्लाई करेंगे ठीक है कुछ और नई चीज़ लेकर आएंगे ठीक है अप्लाई करेंगे कोई भी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसकी हम कोशिश करेंगे जैसे हम रिसर्च करते हैं पी जिसको कहते हैं हम कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वही हमारा किस में आता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में आता है दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल रिफ्लेक्टिंग ऑन समथिंग मीन्स गिविंग केयरफुल थॉट टू समिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिफ्लेक्टिंग ऑन समथिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से केयरफुल थॉट मतलब केयरफुल उस पर ध्यान देते हैं और वही क्या होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग इट ऑल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग कि किसी भी चीज़ के बारे में बहुत गहराई से सोचना बहुत डीपली उसके बारे में स्टडी करना रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज कंसिडर्ड टू बी द हाइस्ट लेवल ऑफ टीचिंग एट विच टीचिंग इज कैरिड आउट रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को हाइएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग माना गया है जहां पर हम टीचिंग बच्चों को कुछ ना कुछ याद करवाते हैं समझाते हैं हंट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया था हंट ने मेन फीचर्स क्या है इट इज़ हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल बहुत ज्यादा थॉटफुल होता है क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स बहुत कुछ अलग ही लेवल का सोचते हैं कुछ नया सोचते हैं कुछ नया करने की उनमें चाह होती है कि हम कुछ ना कुछ नया करके आएंगे अ स्टूडेंट कैन अटेन दिस लेवल ओनली आफ्टर ग्रो गोइंग थ्रू मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल जो इस लेवल पे स्टूडेंट तभी आ पाएंगे जब वो पहले मेमोरी लेवल से होकर आएंगे और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग देन आपको किस पे आ जाएंगे रिफ्लेक्टिव लेवल पर आ जाएंगे टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट टू सोल्व द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पे क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको रियल प्रॉब्लम्स uh, जो लाइफ में है उससे सोल्व uh, करने में क्या मिलती है मदद मिलती है एट दिस लेवल द स्टूडेंट इज मेड टू फेस अ रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इस लेवल पे जो स्टूडेंट है वो अपनी रियल जो भी प्रॉब्लम है उसको फेस करने के बारे में सोचता है उसको फेस एक्चुअली करता है द स्टूडेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड यूजिंग इज क्रिटिकल एबिलिटी सक्सीड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम वो सिचुएशन को अच्छे से समझता है अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करता है और बाद में सफल हो जाता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इट इज़ ऑल अबाउट रिसर्च जब भी हम रिसर्च करते हैं हम एक टॉपिक चूज करते हैं प्रॉब्लम को डिटरमाइन करते हैं कि हमें इस पर कुछ ना कुछ रिसर्च करनी है जब वो सोल्व हो जाती है तो वही हमारी क्या कहलाती है हमारी एबिलिटीज से सिचुएशन सोल्व करते हैं और उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके करते हैं एट दिस लेवल emphasis इज लेड ऑन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम डिफाइनिंग इट एंड फाइंडिंग a solution टू इट इस लेवल पर हम पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे उसको डिफाइन करेंगे और उसका solution ढूंढ कर निकालेंगे द स्टूडेंट्स original थिंकिंग एंड क्रिएटिव abilities develop at this दिस लेवल द रोल ऑफ द टीचर इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज डेमोक्रेटिक ही डज नॉट फोर्स नॉलेज ऑन द स्टूडेंट बट डेवलप इन दियर टैलेंट्स एंड कैपेबिलिटीज़ यहाँ पे टीचर का रोल कैसा रहता है डेमोक्रेटिक रहता है वो स्टूडेंट को फोर्स नहीं करती कि आपको ये याद करना है आपको ये नॉलेज लेनी है बट उनके टैलेंट और कैपेबलिटीज़ को ढूंढती है और उसको क्या करता है डेवलप करने की कोशिश करते हैं ठीक है द रोल ऑफ द स्टूडेंट इज क्वाइट एक्टिव यहाँ पे स्टूडेंट्स का रोल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है उनको कुछ ना कुछ सीखने की चाह हमेशा बनी रहती है इट इज़ प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग ये है प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच जो भी है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को लेकर आना और उसके बाद उस प्रॉब्लम को क्या करना सॉल्व करना तो ये था रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कि जो भी आप कुछ समझे हैं उसको क्या करते हैं अप्लाई करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये थी हमारी थ्री लेवल ऑफ टीचिंग फर्स्ट मेमोरी लेवल देन अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग ऑल फॉर टूडे थैंक यू आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू